जय हिंद दोस्तों, एक कदम भारत की ओर। राजस्थान में कांग्रेस पिछले कुछ 5 दिनों से सचिन पायलट को तो कभी बचाने की कोशिश कर रही है या तो कभी उससे बात करने की कोशिश कर रही है। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो आओ शुरू करते हैं। भारत में कांग्रेस खुद के बनाए जालों में खुद ही फंसती है और खुद ही उनमें इन्वॉल्व होके खुद ही उनसे बाहर निकलने की कोशिश में लगी रहती है। तो दूसरी ओर भारत की एक नाजुक स्थिति जो कि देखने को मिल रही है इस कोरोना पेंडेमिक में, भारत में जितनी भी गवर्नमेंट ट्रेजरी है वो खाली होने की कगार पर है। GST 41% कम हो चुका है और दूसरी ओर इनकम टैक्स 30% कम हो चुका है, जो कि गवर्नमेंट के खजाने में 20 लाख करोड़ से ज़्यादा का इनकम था। तो भारत में कांग्रेस सचिन पायलट के मुद्दे को लेकर उलझी हुई है। तो दूसरी ओर भारत के प्रधानमंत्री कभी नीति आयोग के साथ बैठक कर रहे हैं तो कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि देश में किस तरह से इनकम का सोर्स क्रिएट किया जाए। इसमें से कुछ बैंकिंग, पेट्रोलियम सेक्टर, पोर्ट्स, माइन, रेलवेज, सड़क बनाने का जिम्मा प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं। बीते कुछ 5 से 6 सालों के बीच में देखने को मिला है भारत में जितने भी इनकम जनरेट हुई है वो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के नाम पर थी। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बैठकर इस मुद्दे के ऊपर बात की जा रही है कैसे देश में इनकम का सोर्स डेवलप किया जाए, जिसमें देश के कुछ सेक्टर मिश्रा धातु निगम, एग्रीकल्चर सेक्टर, केमिकल सेक्टर हैं। बीते कुछ वर्षों में हमने RBI में भी देखा कि जिन भी लोगों ने फाइनेंस के ऊपर बात करने की कोशिश की, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया ताकि गवर्नमेंट अपने हिसाब से फाइनेंस को एडजस्ट करके उसमें बदलाव करके अपने तरीके से सरकार को चला सके और इस देश को चला सके। करंट सिनारियों में हमने ये भी देखा कि एग्ज़ाम को लेकर भी मिनिस्ट्री में बात हुई परंतु स्कूलों को तो क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया है। फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में बात की परंतु भारत में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाए जा सके। पिछले कुछ समय में हमने ये भी देखा कि भारत में 23 कंपनियों को बेच दिया गया PSU सेक्टर को, जिसमें से कम 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का डिसइन्वेस्टमेंट था। कोरोना पेंडेमिक में बेरोजगारी और पैसे की बचत को लेकर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ 3 महीनों में देखा जाए, अप्रैल, मई, जून, तो जनता की सिचुएशन काफ़ी नाजुक हो चुकी है। पिछले कुछ 3 महीनों में देखा जाए तो गाड़ियों का सेल्स ग्रोथ 75% नीचे गिर चुका है, जिसमें 3 व्हीकल गाड़ियाँ 91% थी जो कि नीचे गिरी हैं, कार जो कि 82% नीचे गिरी हैं, कॉमर्शियल व्हीकल जो कि 85% नीचे गिर चुका है और जो रियल स्टेट ग्रोथ है वो भी 62% नीचे आ चुकी है। भारत में कोर इंडस्ट्री की स्थिति भी काफ़ी दयनीय है। पिछले ही कुछ दिनों में SBI ने 2012-13 से लेकर 2019-20 तक का एक डाटा तैयार किया हुआ है। उसमें जो SBI ने राइट ऑफ किया, मतलब जो माफ़ी मांगी, उस माफ़ी की राशि 1,23,432 करोड़ थी और जो वसूली गई राशि 7 से 8% थी उसमें 8,969 ताकि बैंक की बुक बैलेंस को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। अन्य सेक्टरों में देखा जाता है कि एक साल गलती करने पर उस गलती की भरपाई अगले साल की जाती है, परंतु इस सेक्टर में ऐसा नहीं है। एक साल गलती करने पर उसकी अगले साल गलती करने की गुंजाइश 2 गुना और उससे अगले साल 3 गुना, उससे अगले साल 4 गुना, इस तरह से बढ़ती बढ़ती वो काफ़ी आगे बढ़ जाती है। पिछले कुछ वर्षों की बात की जाए, 2015 से लेकर 2019 के बीच में तो लगभग 4,32,584 करोड़ के बीच की राशि माफ़ कर दी गई है, जिसमें SBI की राशि लगभग 48,000 करोड़ थी। अगर किसी भी कंपनी को कॉल ब्लॉक का टेंडर लेना हो तो उसमें 5 लाख रुपए की राशि पेमेंट करनी पड़ती है। भारत में गवर्नमेंट की स्थिति इस तरह की आ चुकी है
कि भारत में कोल ब्लॉक के टेंडर को बेच के पैसा कमाने की जरूरत आन पड़ी है। पिछले कुछ 12 दिनों में देखा जाए तो 36 टेंडर बेचे गए हैं, जिसमें से गवर्नमेंट ने 1,80,00,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। परिस्थितियां इस तरह की आ गई हैं कि देश में टेंडर बेच के रेवेन्यू को जनरेट किया जा रहा है। अभी कोरोना का कहर लगभग 3 महीने भी पूरा नहीं चला है, सरकार अभी ही घुटनों के बल आ गई है। दुनिया भर की क्राइसिस की स्थिति में यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्लोबल कॉरपोरेट डेप्थ जो कि 2020 का है वो 12% बढ़ रहा है और लगभग 700,00,000 करोड़ के पार है, जो कि पिछले वर्ष 8% बढ़ा था, लगभग 624,00,000 करोड़ रुपये था। अगर दुनिया भर में देखा जाए तो कोई भी कंट्री अपनी कंट्री के प्राइवेट माल को सस्ते दामों पर नहीं बेचती है, वह उन कंपनियों को बढ़ावा देती है जिससे देश को लाभ हो सके। परंतु भारत जैसे राज्य में देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति उल्टी है, अपने ही देश के प्राइवेट माल को अपने ही देश के लोगों को बेच के अपने ही देश में डबल मुनाफा कमाए जा रही हैं। पूरे भारतवर्ष के उन रॉयल फैमिली के उन दो लोगों को जोड़ दिया जाए तो देश की GDP भी कम पड़ जाती है। अगर म्यूचुअल फंड की स्थिति देखी जाए तो जो लोगों ने PPF का पैसा जो फ्यूचर के लिए रखा होता है उसमें जून के महीने में लगभग 240 करोड़ लगाया गया है और उसमें से 13,520 करोड़ लोगों ने निकाला हुआ है। अगर पिछले बरस के आंकड़े को इसके साथ कंपेयर किया जाए तो पिछले बरस लगभग 7,741 करोड़ रुपए लगाया गया था और उसमें से 10,000 करोड़ रुपया निकाला गया था। 2018 के बजट को देखा जाए, जिस टाइम अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने बताया था कि देश की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। अगर पिछले वर्ष की इंडस्ट्रियल आउटपुट को देखा जाए अप्रैल 2019 के तो लगभग 3.2% थी और जुलाई के महीने में कंपेटिवली अच्छी थी, परंतु 2020 में यह स्थिति और भी बदतर हो गई, जो कि अप्रैल के महीने में -57.6% नीचे गिरी और जुलाई में और भी कम हो चुकी है। पिछले वर्ष का इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ रेट मई में लगभग 7.4% था, जो इस वर्ष -15.4% ग्रोथ रेट चल रहा है। माइनिंग में 2.4% पिछले वर्ष और इस वर्ष -21% नीचे गिरा और मैन्युफैक्चर में भी पिछले वर्ष -4.4% था और जो कि इस वर्ष 39% और नीचे गिर चुका है। तो देश भर में कैपिटल गुड्स का भी यही हाल है, कंज्यूमर गुड्स का भी यही हाल है, एवरीवेयर ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जब चाइना बॉर्डर पर इंडियन मिलिट्री के साथ चाइना की टेंशन स्थिति देखने को मिली थी तो उस समय बायकॉट चाइना मूवमेंट चलाया गया था। उस बायकॉट चाइना मूवमेंट की रियलिटी ही कुछ और है, परंतु इसे थोड़ा और गहराई से देखा जाए तो बायकॉट चाइना मूवमेंट कितना सक्सेसफुल होगा फ्यूचर में ये तो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, परंतु फिलहाल के लिए जो रिपोर्ट हम उसके बारे में बात करते हैं। चाइना का माल भारत में इम्पोर्ट होके आता है उसकी भारत में कितनी वैल्यू है वो तो यह 5 सेक्टर हमें बताएंगे। ड्राइव, ट्रांसमिशन एंड स्टीयरिंग, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा आता है। इसमें 24% भारत में चाइना से ही आता है, जिसकी वैल्यू लगभग 102 करोड़ डॉलर के करीब है। इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो यह लगभग 7,662 करोड़ के करीब है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें लगभग 789 मिलियन डॉलर, जो कि भारत की राशि में 5,927 करोड़ है। और इसी तरह इंटीरियर, कूलिंग और सस्पेंशन में लगभग 24,506 करोड़ रुपये है, जो कि इस बरस भी चाइना से आ रहा है। दुनिया भर में भारत एक सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है और अमेरिका सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्या भारत में यह कल्पना की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि पीएम केयर में कितना फंड आ रहा है, कौन पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, कितना पैसा कब आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल ही नहीं सकता है। अमेरिका में 9 जुलाई को न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर प्रेसिडेंट ट्रंप के फाइनेंस रिकॉर्ड का फुली एनालिसिस करने के लिए कहा, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए। वहां के प्रोसिक्यूटर का जवाब आया कि देश का कानून सबके लिए बराबर है, यू आर आल्सो ए सिटीजन ऑफ अमेरिका,
जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का चिन्ह है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर देश के प्रति कोई सुझाव तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।